आज मैं दोस्तों लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए सूजी से नाश्ता बनाने का रेसिपी। एकदम आसान तरीके से दोस्तों ये बना करके बतलाऊंगी। एक बार इस तरीके से एक बार बनाकर आप लोग खा लेंगे तो बार बार इसी तरीके से ये नाश्ता बना करके खाएंगे और एकदम सब्जी से भरपूर। दोबारा सब्जी भी हमारा नहीं बनाना पड़ेगा। तो चलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए, बहुत आसान तरीका है दोस्तों। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अगर आज की हमारी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगेगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ढेर सारा शेयर जरूर करिएगा। आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए कैसे मैं बना रही हूँ ये नाश्ता। आप इस तरीके से सुबह में भी बना करके नाश्ता कर सकते हैं और शाम में भी बना सकते हैं, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं दोस्तों। बहुत हेल्दी और टेस्टी है ये नाश्ता दोस्तों। अगर आज की हमारी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ये नाश्ता बनाने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है लालसा किचन में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं कोई भी आप कटोरी ले लीजिएगा, नहीं तो कोई भी आप कप ले लीजिएगा। उसी कटोरी से मैं देखिए, जिस कटोरी से दही रखी हूँ उसी कटोरी से दो कटोरी यहाँ पर सूजी रखी हूँ, जिसे रावा भी बोला जाता है। जो हलवा बनाते हैं वही अलग सूजी है दोस्तों। और उसी कटोरी से मैं एक कटोरी यहाँ पर दही डाली हूँ ताज़ा। अब इन्हें हम क्या करेंगे, दही और सूजी को अच्छा से हम मिक्स करेंगे बिना पानी के। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा से मैं मिक्स कर दी हूँ। अब यहाँ पर उसी कटोरी से हम एक कटोरी पानी डालेंगे दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले आधा डाल दी हूँ और अच्छा से इन्हें मिक्स कर लेंगे, अच्छा से ये हमारा सूजी ये फूल जाए। तो यहाँ पर देखिए, जो बचा है पानी उसी कटोरी से ये भी डाल दी हूँ और इन्हें अच्छा से मिक्स कर दी हूँ। अब इन्हें हम रेस्ट पर इस तरीके से देखिए, है ये थोड़ा सा अभी गाढ़ा है, अब इन्हें हम रेस्ट पर रख देते हैं 10 मिनट के लिए, तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, दो छीला हुआ आलू रखी हुई, कच्चा आलू है। तो इस तरीके से छील करके मैं पानी में डाल दी हूँ, जो काला या नहीं पड़ता है। इन्हें हम सबसे पहले कद्दूकस कर लेंगे आलू को। देखिए इस तरीके से मैं कर ली हूँ, देखिए एकदम में ही। इससे क्या होगा, जब हम ये सूजी का नाश्ता बनाएंगे तो ये अच्छा से गल जाएगा, पकेगा अच्छा से। तो इसीलिए कद्दूकस करना जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट हम डाल देंगे सारा आलू जो सूजी हम रखे हैं उसी में। 10 मिनट हो गया है, सूजी भी हमारा अच्छा से फूल गया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं और सामान रखी हूँ। एक मीडियम साइज का प्याज इस तरीके से काट करके रखी हूँ और एक टमाटर इस तरीके से काट करके छोटा छोटा टुकड़ा मैं रखी हूँ। यहाँ पर टमाटर का बीज निकाल लीजिएगा, तभी काटना है। 3 से 4 हरी मिर्च है, थोड़ा सा धनिया का पत्ता, इन्हें मेन मैं काट ली हूँ। तो ये सारा सामान इसी में हम डालेंगे। यहाँ पर आप जो भी सब्जी और डालना चाहते हैं, जो भी आपके पास में हो, यहाँ पर कोई सा भी सब्जी डाल सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे का पत्ता भी नहीं चलेगा यहाँ पर क्या सब्जी आप डालेंगे, बहुत चाव से नाश्ता खाएंगे। और यहाँ पर देखिए, अच्छा से डाल करके सारा सब्जी इन्हें मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप लौकी भी डाल सकते हैं, पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास में सब्जी हो डाल सकते हैं दोस्तों। बहुत सुपर टेस्टी, एकदम हेल्दी नाश्ता हमारा तैयार होगा। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा से मिक्स कर दी हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा मसाला डालेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर डाली हूँ हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा है गरम मसाला, आधा चम्मच जीरा, यहाँ पर साबुत जीरा मैं डाली हूँ और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो अपने अनुसार से नमक यहाँ पर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं भुना हुआ जीरा का पाउडर डाल रही हूँ। बहुत अच्छा ये नाश्ता बनता है इस तरीके से डालेंगे तो। और थोड़ा सा यहाँ पर चाट मसाला डाल देंगे। आप ये ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसी तरीके से सिर्फ मसाला डाल करके बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम आधा कटोरी यहाँ पर पानी डाल देंगे और अच्छा से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों हम बाद में बताएंगे कि कितना पानी ये लग गया है हमारी घोल तैयार करने में। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमारा घोल तैयार हुआ है, एकदम सब्जी से भरपूर है दोस्तों। तो ये नाश्ता एक बार जरूर बनाइएगा, बहुत हेल्दी और बहुत सुपर टेस्टी लगता है बनाएंगे इस तरीके से तो। और इस कटोरी से एक कटोरी पहले मैं पानी डाल करके सूजी फूलने के लिए रखी थी और एक कटोरी अब डाली हूँ, टोटल 2 कटोरी पानी लग गया है। तो चलिए हमारा घोल तैयार हो गया, तो अब नाश्ता भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तवा गर्म होने के लिए रखी हूँ और यहाँ पर 1 से 2 चम्मच तेल डाल देंगे और चारों ओर तेल फैला देंगे। और यहाँ पर हम चम्मच से 2 चम्मच डाल रहे हैं बैटर जो बनाए हैं वो, और इस तरीके से हम धीरे धीरे इन्हें फैला देंगे दोस्तों। यहाँ पर पतला ज़्यादा नहीं बनाना है और ना ही ज़्यादा हमें मोट बनाना है। यहाँ पर देखिए, मीडियम साइज का मैं एक बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा से इन्हें फैला दी हूँ और मीडियम फ्लेम पर गैस रखिएगा और इस तरीके से ऊपर से 1 चम्मच हम तेल डाल देंगे, जो अच्छा से ऊपर से भी पक जाएगा।
मीडियम फ्लेम पर गैस रख करके तभी हमें बनाना है ये दोस्तों, नहीं तो नीचे से क्या होगा, जल जाएगा और सब्जी हमारा नहीं सीझेगा। यहाँ पर देखिए एक बगल से हो गया है, अब इन्हें मैं पलट दी हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर आया है दोस्तों, देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत सुपर टेस्टी है। तो इस तरीके से आप ये नाश्ता जरूर बनाइएगा, बहुत सुपर टेस्टी, एकदम हेल्दी और सब्जी से भरपूर है दोस्तों। इस तरीके से आप लोग भी बनाइएगा और खाइएगा, बच्चों को भी खिलाइएगा, बहुत हेल्दी है। यहाँ पर देखिए इसी तरीके से हम दूसरा पराठा भी सेक लेते हैं। इसी तरीके से 2 चम्मच हम बैटर डालेंगे, अगर आपका जैसे 12 चम्मच होगा तो 1 चम्मच डालेंगे तो आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसी तरीके से हम अच्छे से फैला देंगे, ज़्यादा नहीं पतला करना है, नहीं ज़्यादा मोटा करना है हमें। इसी तरीके से हम उलट पलट करके इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छा से हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो रहा है दोस्तों, देखा आपने कितना आसान तरीका है। तो इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर नाश्ता बनाइए और ये लीजिए हमारा सारा रोटी बन करके तैयार हो गया है नाश्ता करने के लिए। यहाँ पर देखिए ज़्यादा ये पतला नहीं है दोस्तों, इस तरीके से है। तो इस तरीके से भी आप लोग जरूर नाश्ता ये बनाइएगा, बहुत हेल्दी, बहुत सुपर टेस्टी लगेगा दोस्तों। अगर आज की हमारी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए प्लेट में भी निकाल करके आप लोग से दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैं नाश्ता निकाल दी हूँ, तो दोस्तों आइए आप लोग भी खा लीजिए। दोस्तों अगर आज की हमारी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप लोग कैसी लगी है, और शेयर ढेर सारा जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक आप लोग भी जरूर इन्हें नाश्ता बनाइए, खाइएगा जरूर। तो इस तरीके से आप लोग भी जरूर बनाइएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ।